नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। तो हम करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1, 7 व 4, -3। एक पॉइंट है जो मैंने पी लिया है, इस पी के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं और इस ए बी लाइन को एक पी डिवाइड कर रहा है 2:3 में, यानी ए पी 2 है, पी बी 3 है, यानी मेरा एम 1 2 है, एम 2 3 है, ये एक्स 2 वाई 2 है, एक्स 1 वाई 1। सेक्शन फॉर्मूला एम 1 एक्स 2 प्लस एम 2 एक्स 1 अपॉन एम 1 प्लस एम 2, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। इससे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, इससे वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। बस रख दो फॉर्मूला में, एम वन एक्स टू, एम वन एक्स टू, एक्स टू है 4, 2 × 4 प्लस एम टू एक्स वन 3 × -1 और डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम 2+3 m1 + m2। यहां से मेरा x कोऑर्डिनेट निकलेगा, y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 यानी 2 × -3 प्लस एम टू वाई वन 3 × 7 डिवाइडेड बाय सेम 2+3 यहां से वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा, यहां से एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा। 2 × 4 = 8, 3 × -1 -3 8 − 3 डिवाइडेड बाय 2 or 3 5। दूसरा इसका 2 × -3 -6 प्लस 3 × 7 21 डिवाइडेड बाय 2 and 3 5। 8 में से 3 गई 5, तो ये है 5/5 और ये है प्लस के 21 माइनस के 6, 21 में से 6 गए 15 15/5, तो 5 से 5 गया इक्वल टू 1 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 × 5 = 15 इक्वल टू 3। ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए मेरे 1 and 3, ये एक्स है, ये 1 है और ये 3 है और यही आपका आंसर है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। होप आपको समझ में आया हो। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।